बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं नजमा लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आप सबको तो पता है कि विंटर वेकेशंस हो चुकी हैं और काफ़ी दिन हो गए थे छुट्टियां हुए, और आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे भी था और कायद अजम डे भी था, और हस्बैंड भी मेरे आज घर पे थे। तो बच्चों ने प्लान किया कि कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, तो फिर हमने डिसाइड किया कि निसार शहीद पार्क चले जाते हैं। तकरीबन 4 बजे के करीब हम घर से निकले थे। निसार शहीद पार्क जो DHA में है, कराची वालों को तो पता ही होगा। यहाँ हम पहुँचे और हमने यहाँ से टिकट ले ली, और आज मौसम भी बहुत अच्छा था क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी और बारिश की वजह से कराची में ठंड जो है वो बढ़ चुकी थी, और आज बड़ी अच्छी धूप निकली थी। आज नॉर्मल से ज़्यादा क्राउड था क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तब तो तकरीबन हर वीकेंड पे हम आते थे और ऐसा फील नहीं होता था। शायद हम काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आए हैं क्योंकि हमने शिफ्टिंग की, तो हम जहाँ शिफ्ट हुए जिस सोसाइटी में, तो वहाँ पे तकरीबन ये सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम बाहर के पार्क्स में जाएं। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं आई हूँ यहाँ, तो काफ़ी चेंज लगा मुझे ये पार्क। जैसे ही हम पार्क पहुँचे तो गेट से बाहर छोटे छोटे स्टॉल थे जहाँ चने, भुट्टे, नीमको, कॉटन कैंडी वगैरह के स्टॉल थे। तो बच्चों ने मंचिंग के लिए पापा से कहा कि हमें ये ला कर दें, तो हम यहाँ बेंच पे बैठ के उनका वेट करने लगे और वो बच्चों की मंचिंग के लिए थोड़े से नीमको वगैरह ले आए। इनके पापा के आने के बाद हमने पार्क के सेंटर में बड़े बेंचेस को चूज़ किया और वहाँ बैठ गए। बच्चे जब छोटे होते हैं तो इंसान इंजॉयमेंट करता है और वक्त का पता ही नहीं चलता उनके पीछे भाग दौड़ में, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर वो इंजॉयमेंट नहीं रहता। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स बना लेंगे या उसके अलावा बातें आपस में कर लेंगे, इसके अलावा कोई इंजॉयमेंट नहीं होता, और एक छोटे बच्चे का होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे बोर हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मम्मा आप शानजापी को जो है वो बुला लें, क्योंकि शानजा की फैमिली के साथ जो है वो मेरे बच्चे काफ़ी अटैच्ड हैं, और ख़ास तौर पे उनके बेटे मुदब्बिर अहमद के साथ। मुदब्बिर अहमद को आपने अक्सर मेरी इंस्टा की स्टोरीज पे भी आपने देखा होगा कि मैं उसकी पिक्चर्स जो हैं वो स्टोरी पे लगाती हूँ। तो इसके अलावा जो है शानजा के साथ मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं, मेरी भांजी भी हैं, बहू भी लगती हैं, और इसके अलावा जो है काफ़ी सारे मेरे उसके साथ रिश्ते हैं। तो हमने उसे कॉल की और अब हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे और साथ ही उसका वेट कर रहे थे। बच्चे खुश हो गए कि चलो शानजा आ जाएंगी और उनके साथ ख़ास तौर पे मुदब्बिर आएगा, क्योंकि मुदब्बिर में हमारी जान बसी है। और मुदब्बिर अहमद हम आ गए और भागते हुए हमारी तरफ आए, जैसे ही उन्होंने हमें देखा तो भागते हुए हमारे पास आ गए। और यहाँ हम मिल रहे हैं मुदब्बिर अहमद से, उनकी मम्मा से, और उनके पापा भी थे, और जर्नी शानजा के नाम से इनका ब्लॉगिंग चैनल भी है, और आप जाएं उसके पेज पे और जाके उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और वो जब आई तो समझें कि मेरे बच्चों में तो जैसे जान ही आ गई, और मुदब्बिर तो वैसे ही हम सब की जान है। मुदब्बिर अहमद के आने से पहले बच्चे एकदम गुमसुम बैठे थे, और जैसे ही मुदब्बिर आया तो समझें बस एक जान सी आ गई सब में। और फिर मुदब्बिर के साथ मैंने भी बहुत इंजॉय किया और बहुत मैंने खेला उसके साथ, और उसने कहा नहीं दादो के साथ खेलना है, कभी कहे ईमान के साथ खेलना है, और कभी जवेरिया के पीछे। वो जवेरिया के साथ तो उसकी बनती ही नहीं, हर वक्त उसकी लड़ाई होती है जवेरिया के साथ, और चाहे जवेरिया कुछ भी कर ले लेकिन उसने जवेरिया के साथ जो है वो दुश्मनी निभानी निभानी है। यहाँ एक छोटा सा जू बन रहा था तो वो भी हम देखने आ गए। Ah
मिठी मिठी बेबी, हाय करो, हाय करो, हाय करो, पहले हाय करो, दादू को हाय करो, हाय। जू के साथ ही एक ये छोटा सा प्ले एरिया भी था जहां हम मुदब्बिर को लेकर आए, तो यहां सिर्फ छोटे बच्चे ही अलाउ थे, लेकिन मुदब्बिर रहमत के साथ साथ मेरे बच्चों ने भी एंजॉय कर लिया। बेबी क्या हुआ था, बेबी क्या हुआ था, गिर गए? आप गिर गए थे? कहाँ चोट लगी? कहाँ? यहाँ दिखाओ मुझे, कहाँ लगी चोट? बहुत ज्यादा लगी। बेबी को दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? मजा आ रहा है बेबी? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है? गंदे बच्चे हैं वो, गंदे बच्चे हैं वो। ये तो कपड़े गीले हो रहे हैं। कपड़े गीले हो रहे हैं? किसके? ओ, वो गंदे बच्चे हैं ना, आप तो अच्छे बच्चे हो। मैं देखूं। क्या देखना है आपने? मैं पीने जाता हूं। अच्छी है, बहुत अच्छी है, चीज भी देती है। अच्छा जी, अच्छी है अमानी, अच्छी है जिया, नहीं अच्छी? जिया गंदी है, जिया गंदी है, अब पकड़ूंगी। क्या चाहिए? बॉल? बोलो मैं नहीं दूंगा, मेरी बॉल है ना, ये तो बेबी की बॉल है। ये क्या है मिट्टी के हेयर्स में ग्रास है? मेरा बेटा है ना छोटा सा। सर्दियों में रात जो है वो जल्दी हो जाती है और तकरीबन शाम के 7 बज चुके थे, तो फिर हमने वापसी का सोचा क्योंकि सर्दी भी हो गई थी और मुदब्बिर अहमद अभी बच्चा है तो उसके साथ ज़्यादा देर बाहर ठंड में रहना मुनासिब नहीं था, तो फिर हम वापसी के लिए निकल गए यहाँ से। जैसे ही हम गेट से बाहर आए तो हमने यहाँ गुड़ से बने हुए पॉपकॉर्न देखे, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये ले लिए जाएँ। ये हमने लिए तो ये बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थे, अब पैसे दिए हुए थे तो फिर खाना भी पड़ा। वापसी में शानजा हमारे साथ ही हमारे घर आ गई, और जब भी वो आती हैं, आती वो आधे दिन के लिए हैं लेकिन हम ज़बरदस्ती उसे रोक लेते हैं, और वो जानबूझ के बच्चे का सामान नहीं लेकर आती कि मुझे रोक ना लें, लेकिन फिर हम उसे हमेशा जो है वो उसे रोक लेते हैं। खाना हमने बाहर ही खाना था लेकिन मुदब्बिर अहमद थक के सो चुके थे, तो हमने जो है वो घर आकर खाना ऑर्डर करवा लिया। ये देखें कैसे मुदब्बिर अहमद सो रहे हैं। हस्बैंड और मेरा भतीजा जो है वो ऑलरेडी हमारे आने से पहले ही घर पहुंच चुके थे क्योंकि इन्होंने बाइक पे आना था, और खाने में हमने जो है मज़ेदार बिरयानी से बिरयानी का ऑर्डर करवाया, कोरमा था, उसके अलावा हलीम थी, और बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश खाना था। और जब भी कभी आपने ऑर्डर करवाना हो तो आप यहाँ से करवाएं, बहुत ही मज़ेदार खाना होता है इनका। खाना खाने के बाद तो चाय मस्ट है, चाय एंजॉय करने के बाद हम सब सो गए। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल नजमास लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।